आप सबको जय मसीह की। स्तुति आराधना वेबसाइट 2009 में मैंने शुरू की थी और इसके साथ में ही वीडियो जो कि यूट्यूब पे डालना शुरू किए, लगभग करीबन उसी समय ये सब कुछ शुरू हुआ। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मैं कर रहा हूँ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या कौन इसे इस्तेमाल करेगा अपनी कलीसिया में, उन वीडियोज़ को, उन वेबसाइट्स को। लेकिन आज करीबन 7-8 साल बाद में लगता है कि कहीं ना कहीं उन कोशिशों ने किसी ना किसी की ज़िंदगी में ज़रूर प्रभाव डाला है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा इनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु ने यदि आपको दर्शन दिया है, चाहे वो कितना भी छोटा आपकी निगाह में क्यों ना हो, प्रभु की निगाह में नहीं है, प्रभु आपको उस दर्शन के द्वारा, उस काम के द्वारा बहुत इस्तेमाल करेगा। एक ऐसी ही गवाही इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। पिछले दिनों मैं करनाल एक वर्शिप सेमिनार के लिए गया था और वहाँ मेरी मुलाकात इस भाई से हुई जो कि अपनी कलीसिया में अब वर्शिप लीडर है। जब बात मैंने उनसे की तो पता लगा कि YouTube चैनल पे जो मैं गिटार पे वीडियोस ट्यूटोरियल सिखाता हूँ, उन ट्यूटोरियल्स के द्वारा उस भाई ने गिटार बजाना सीखा। आश्चर्य की बात ये थी कि उन वीडियोस को देखने से पहले वो कभी भी गिटार के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसने कभी गिटार हाथ में पकड़ा भी नहीं था। लेकिन इन वीडियोस के द्वारा कहीं ना कहीं उसकी मदद हुई, उसने गिटार उठाया, उसने बजाना सीखा और आज वो अपनी कलीसिया में गिटार बजाता है और प्रभु की महिमा करता है। तो आइए मिलके इस गवाही को देखते हैं। सभी को जय मसीह की। जो मैंने गिटार सीखा और जो अब मैं वर्शिप करता हूँ, पहले मेरे को गिटार नहीं बजाना आता था। और मैं सबसे थैंक यू कहना चाहूँगा इसलिए भी आपको कि आपकी वजह से मैंने आपकी वीडियो देख के, स्तुति जो आप वीडियो अपलोड करते हो, मैंने उसे गिटार सीख के, जैसे आप गिटार के बारे में बताते हो, हर चीज़ स्ट्रमिंग से लेके गाने से लेके और उसके कोड वगैरह जो आप बताते हो, मैंने वो सभी देख के और अब मैं अपने कलीसिया में, अपने चर्च में वर्शिप करता हूँ। और मेरे को काफ़ी अच्छा एक गिटार, मेरा काफ़ी अच्छा गिटार ग्रोथ हो गया, मुझे को मैं बजाता भी हूँ, गाता भी हूँ। और इसलिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने जो ये वीडियो आप अपलोड करते हो, और इसके लिए थैंक यू। और मैं कहना चाहूँगा प्लीज़, और आप ऐसी वीडियो अपलोड करते रहे और बच्चे जो भी सीखना चाहते हो ऐसे ही उन्हें सिखाते रहे। वीडियो देखने से पहले आप गिटार बजाना जानते थे? नहीं, मेरे को शायद गिटार पकड़ना भी नहीं आता था। तो वीडियो देखने के बाद आपने फिर गिटार पकड़ा और सीखा? हा? हाँ जी, मैंने गिटार देखा। हम भाई है जो क्या होते हैं, आपस में बैठ के आपकी वीडियो देखते थे और वीडियो जब आप बताते थे हम वैसे ही करते थे। और उस वीडियो से हमने गाना भी सीखा, बजाना भी सीखा और हम कलीसिया में गाते हैं और हमारे गाने से सारे डांस करते हैं। कितने साल हो गए आपको सीखते हुए वीडियो से? वीडियो से सीखते कुछ यही 2 ईयर्स हुए मेरे को। ठीक है, ठीक है। प्रभु भाई आपको और आशीष दे और ऐसे ही बढ़ाते रहे, सीखते रहिए, ठीक है, और प्रभु की महिमा करते रहिए, ठीक है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने देखा इस वीडियो में इस भाई की गवाही को कि कैसे इस भाई ने गिटार बजाना सीखा और आज वो प्रभु की महिमा के लिए गिटार बजा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है कि प्रभु ने आपको भी कोई दर्शन दिया हो, कुछ बात है जो आपको प्रभु ने करने के लिए कही हो। इंतज़ार मत कीजिए कि कब ये मैं करूँगा, शुरू हो जाइए। ये भी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि प्रभु आपके विषय में क्या कहता है, प्रभु आपसे क्या कहता है, आप वो करें। और इसी तरह से यदि आपके पास भी कोई गवाही है जो आपने इन वीडियोस के द्वारा, हो सकता है कि इन वीडियोस से आपने गिटार बजाना सीखा हो सकता है कि जो भी वीडियोस और वेबसाइट जो हमारी है उसके द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में कुछ काम किया हो, प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम भी उसे दूसरों तक शेयर कर सकें और इसी तरह से प्रभु को महिमा मिलती रहे। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद इस प्रेम के लिए जो वीडियोज़ और वेबसाइट के द्वारा आपने दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दें।